भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह यूनाइट एकमुश्त होकर चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से पुंछ रजौरी की हर विधानसभा से कमल खिलेगा। जिस तरह जम्मू कश्मीर में हर जगह पर भाजपा को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जिताना चाह रहे हैं, उसी तरह का माहौल पुंछ रजौरी में भी दिखा है। पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। घबराहट है एनसी के अंदर, बहुत ज़बरदस्त घबराहट है और मैं हैरान हूँ कि एनसी अभी भी 1950 के अपने नरेटिव पर और एजेंडे पर ही काम कर रही है। अभी भी उनका मैनिफेस्टो, ऐसे लगता है कि उनका मैनिफेस्टो जमात के कार्यालय में लिखा गया है। उसके मैनिफेस्टो से आईएसआईएस की बदबू आ रही है, आईएसआई की बदबू आ रही है। 370 और 35 से इतिहास बन चुकी है, अब वो इतिहास रहेगी। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी मिलकर आतंकवादियों को जो जेल में बैठे हैं, जिनके इरादे देशद्रोही हैं, उनको वापस महामंडित करना चाहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं। ये नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो जेल में बैठे हुए अलगवादियों को छोड़ेंगे। किसी भी सूरत में जो काम एनसी और कांग्रेस लगातार कई दशकों से जम्मू कश्मीर में करती आई है, अलगाववादियों को महामंडित करने का, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादियों की प्रोक्सी पार्टी के रूप में काम कर रही है। प्रोक्सी पार्टी होती है, यहां तक कि एनसी के कार्यालय में राहुल गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एजेंडा और झंडा गिरवी रख दिया है। सर, जो लिस्ट आ रही है एनसी की, जिस टाइपराइटर से एनसी की लिस्ट टाइप हो रही है, उसी टाइपराइटर द्वारा कांग्रेस की लिस्ट टाइप हो रही है। यानी कांग्रेस पार्टी का एनसी के आगे पूरा सरेंडर है और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता एनसी के इस सरेंडर, जो कांग्रेस ने एनसी के आगे जो सरेंडर किया है, उससे अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं। एनसी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पहाड़ी, गुज्जर व बकरवाल भाइयों का वो आरक्षण समाप्त करने जा रहे हैं। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, एनसी गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों को मिला, ओबीसी को मिला, एससी को मिला आरक्षण, 10 बार भी अब्दुल्ला से पैदा होके आए तो हम उसे छेड़ने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है हर पहाड़ी से, गुज्जर से, बकरवाल से, ओबीसी से, एससी से, उनके आरक्षण की रक्षा हम करेंगे। सर, जम्मू में काफी आपके पार्टी जो कार्यकर्ता हैं टिकट से नाराज हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, कोई नाराज नहीं, पूरी तरह यूनाइट पार्टी। हमने जो घोषणा पत्र अमित शाह जी ने घोषित किया है, अब आप सबका भी मेडिकल इंश्योरेंस 7 लाख रुपए का होगा, पहले 5 था, अब 7 लाख रुपए। गरीबों को घर देने के लिए जमीन, नौजवानों को नौकरियां, महिलाओं को 18,000 रुपया, वृद्ध महिला को बुढ़ापा पेंशन 36,000 रुपया। ये वो निर्णय है जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को अपना भविष्य दिख रहा है। ये मैनिफेस्टो के निर्णय ये बताते हैं कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर पक्ष के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने, नौजवानों को सपना पूरा करने, और जिस तरह किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की बात थी, ये निश्चित रूप से किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को और युवाओं को
नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला मैनिफेस्टो है, वचनबद्धता है और हमारा संकल्प है। और जो हमारा संकल्प है ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी।